नारायण नारायण सविता एस एस ब्लॉग डिजाइनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बलून वाली आस्तीन बनाने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से चार बार फोल्ड कर रख लिया है। इसकी चौड़ाई रखी है हमने 22 इंच, लंबाई रख रहे हैं हम इसकी 12 इंच। अब यहाँ से इंच टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, नीचे की साइड 4.5 इंच बाहर निकाल कर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से रखना है देखिए, और यहाँ 12 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब जो हमने 12 इंच पर निशान लगाया था ऊपर, उसको इस तरीके से शेप देते हुए नीचे वाले निशान से मिला देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कोने पर हम यहाँ कट बना देंगे बीचों बीच। अब हमें कपड़े को खोलकर रखना है इस तरीके से। नीचे की साइड से हमने 3 इंच छोड़कर निशान लगाया है और अब हम यहाँ से छोटे छोटे सेल बना रहे हैं। इस तरीके से हमें छोटे छोटे सेल बनाना है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप अपनी बलून वाली आस्तीन को पूरी फिनिशिंग के साथ बना पाएंगे। बिना स्किप किए देखिएगा। इस तरीके से हम हमारी स्लीव्स में छोटे छोटे सेल बना लेंगे। इसी तरीके से हमने पूरी स्लीव्स में छोटे छोटे सेल बना लिए और यहाँ से भी हमें 3 इंच छोड़कर सेल बनाने हैं। अब हम ऊपर की साइड जो हम आर्म होल्स में ज्वाइंट करेंगे, वहां से हमने 4.5 इंच छोड़कर सेल बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाना है। जिस शेप में हमने इस साइड सेल को फोल्ड किया था, उसी शेप में हमें ऊपर की साइड भी सेल को फोल्ड करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर शेप में मिलाते हुए हमें छोटे छोटे सेल बनाने हैं। लगभग आधा इंच चौड़े सेल बनाने हैं हमें। इसी तरीके से हमने ऊपर की साइड भी सेल बना ली है पूरी स्लीव्स में, और ऊपर भी की साइड भी हम यहाँ से 4.5 इंच छोड़कर सेल बनाएंगे। इस तरीके से अब हमें स्लीव को ऊपर की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर रखकर रखेंगे और बीचों बीच एक निशान बना लेंगे। अब हमने जो निशान बनाया था उसको हम जो हमारा शोल्डर का जोड़ है दोनों पार्ट को वहाँ पर मिलाकर रखेंगे पीछे भी। इस तरीके से स्लीव्स को और हमारे सूट को इस तरीके से बराबर मिलाते हुए पकड़ेंगे और आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से हमें जो हमने सेल्स बनाए थे उन्हें इस तरीके से प्रॉपर शेप में करते जाना है। जिस शेप में हमने सेल बनाए थे उसी शेप में हमें उनको प्रॉपर शेप में रखना है और आधे इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से सेल को सीधा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से हमने आस्तीन को पूरा लगा लिया है, धागे को कट करेंगे। इसी तरीके से हमने हमारे सूट में दोनों स्लीव्स को लगा लिया है। अब हम स्लीव्स में 1 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे। 1 इंच चौड़ी पट्टी लगाने के लिए हमने मेन कपड़े और अस्तर की 2.25 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरीके से एक साइड से
सिलाई लगाकर हमें फोल्ड करना है। एक साइड से हमारी पट्टी बनी हुई है, इसलिए हम एक साइड से ही सिलाई लगाकर फोल्ड कर रहे हैं। अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है और जो हमने पट्टी बनाई है उसको इसके ऊपर रखकर आधा इंच दबाते हुए स्लीव्स को हम इस पर से पट्टी को जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से करना है, देखिए। और जो हमने सेल्स बनाए थे स्लीव्स में, उन्हें प्रॉपर शेप में रखते हुए हमें पट्टी को लगाना है। बिल्कुल प्रॉपर शेप में करते जाना है। जिस साइड हमने सेल को फोल्ड किए थे उसी साइड हमें इनको प्रॉपर शेप में करना है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमने पट्टी को पूरा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमने जो सिलाई पहले लगाई थी उसी पर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे जो कपड़े को पट्टी को हमने फोल्ड किया है नीचे, वो सिलाई में दबना चाहिए, इस तरीके से हमें रखना है। इसी तरीके से हमने सूट की दोनों स्लीव्स को लगा लिया है। ये देखिए, स्लीव्स को लगाने के बाद स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल